दोस्तों, बांग्लादेश के हाथों भारतीय टीम को मिली करारी शिकस्त के बाद लगातार टीम पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, टीम के दिग्गज क्रिकेटरों पर भी निशाना साधा जा रहा है, जो टीम को मैच नहीं जिता पा रहे हैं। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल ने टीम के तीन दिग्गज बल्लेबाजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल में कितने शतक लगाए हैं। भारतीय टीम की वर्ल्ड कप तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वनडे वर्ल्ड कप अगले साल भारत में ही होगा और इसमें अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भारतीय टीम की तैयारी उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। टीम को लगातार वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 मैच हारकर टीम इंडिया ये श्रृंखला गंवा चुकी है। दोस्तों, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज वनडे में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और मैच नहीं जिता पा रहे हैं। ऐसे में मदन लाल ने इन तीनों ही प्लेयर्स पर सवाल उठाए हैं। पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो इन सीनियर खिलाड़ियों ने पिछले 3 साल में कितने शतक लगाए हैं, पिछले 1 साल में इनके बल्ले से कितने शतक निकले हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र हो जाती है, आप स्लो हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ये खिलाड़ी अनुभवी है और इन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। अगर आपका टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म नहीं करेगा तो आप मुकाबले नहीं जीतने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।